तो जी सना अस्करी, हम चल रहे हैं आपके पैकेजेस की तरफ। अच्छा, इससे पहले कि सना तुम्हारे पैकेजेस पे जाएं, ये जो इनकी बेटी है वो हमारे सामने की पैदावार है, उसकी कल बर्थडे थी। हाँ। और क्या, उसकी कल बर्थडे थी, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। हाँ जी, तो ये घूमने की शौकीन, अब तुम्हारे बच्चे होने के बाद कैसे घूमती हो? मैंने अभी रोड ट्रिप मारा। नहीं कहो यार, पूरा नॉर्दर्न बघारा कराची से गाड़ी पकड़ा। उसको कितना बड़ा हो गया? He's 4, लेकिन he was the best traveling partner। नहीं उसने यार इतना enjoy किया कि उसको पहाड़ों से वापस नहीं आना चाहिए चाह रहा था। हाँ। वो क्यों, कैसे? वो तो बच्चों के तो कान बंद हो जाते हैं। नॉट एट ऑल, उसने बहुत enjoy किया। मैंने एक तकिया रखा गाड़ी में, वो आधे रास्ते में और वो सोते हुए गए। हाँ। और बहुत मजा आया। I mean, how was driving? जहाज में भी कान बंद करने के प्रॉब्लम नहीं? नो नो, नॉट एट ऑल, ही लव्स ट्रैवलिंग। बच्चे इतना रोते हैं, शर्मिंदा हम हो रहे होते हैं कि तुम्हारे मुंह में रोई ठोक दे। तुम्हारे बेटे ने तंग नहीं किया? अंजला ने भी नहीं किया मुझे कभी? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। माशाल्लाह, मेरे बेटे ने तो बिजनेस क्लास में भी तंग किया है। नो नो, दैट वे इज वेरी इजी। क्या मुझे घुमाते, इतना रोया है, इतना रोया है। मैं बच्चों को इतना शर्मिंदा हो रही होती थी सबसे, जो जो देख रही हो, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, वो जो नहीं होती खांसी का शरबत, उसमें नींद होती है, किसी ने मुझे कहा वो पिला दो तो बच्चे सोते रहेंगे। मेरे बच्चे तो खांसी का शरबत पी के भी नहीं सोए। हाँ, ये होता है बड़े सारे बच्चों के साथ। हाँ, वो तो नहीं सोए। अब बताओ अपने बारे में, अपनी बात। हाँ। अपने बारे में क्या बताऊँ? ट्रैवलिंग के बारे में। हाँ, तो मैं और मिन्हाज भी लव ट्रैवलिंग। तो जब से हमारी शादी हुई है, हम वी अर्न We spend on traveling, हमेशा से। अच्छा, तो हम दोनों को शौक है। यूएसए से शुरू करें या यूके से? हम यूएसए से शुरू करें। अच्छा ठीक है, अब बताती रहना तुम कहाँ पैसे बचाए, कहाँ खर्चा किया। भाई मैं शिकागो में सिर्फ मेरा खर्चा हुआ था, बिकॉज हम खानदान से भाग गए थे। We had family everywhere. बेटा खानदान वाले भी देख रहे हो। Sorry guys. So yeah, this is I think universal. शादी के बाद गए हो तुम लोग यहाँ पे? हनीमून था ये तुम लोगों का? नहीं नहीं, not at all. अभी थोड़ा time पहले गए थे। अच्छा अच्छा। तो this is New York. This is Chicago. You won't get any beauty shots because हाँ भाई, तुम्हारी नंद होती है ना उधर? मेरी नंद दिल्ली में होती है। अच्छा, फिर मिन्हाज प्यारी तो लग रही है, बहुत प्यारी। कुछ फैमिली मिन्हाज की न्यूयॉर्क में है, कुछ फैमिली मिशिगन में है। दिस इज न्यूयॉर्क। ये तो न्यूयॉर्क है। हाँ, दिस इज न्यूयॉर्क, 42nd स्ट्रीट है। और हम ज्यादातर वेगास। बहुत अच्छी जगह है, बहुत मजा आ रहा। मुझे, मैं बच्चों के साथ जा रही थी तो मुझे किसी मशवरा दी, हाय बच्चों के साथ कौन जाता है, मियां के साथ जाओ। लेकिन मैं बच्चों वालों को कहती हूँ, बच्चों के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज है, बच्चों के साथ भी जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। और क्या, बच्चों के लिए अलग शरीफाना जगहें हैं बहुत सारी। अच्छा, हम सब वहाँ जाके पुलिस वालों के साथ तस्वीरें और वहाँ बहुत तेज बारिश शुरू होगी। मेरे मियाँ को बारिश नहीं पसंद और मैं दीवानी हूँ बारिश की। तो वहाँ ट्रैश कैन में जो आप थैला नहीं डालते वो रखा हुआ था। मैंने यहाँ से बाजू काटे, गला काटा मैंने ट्रैश कैन पहना और मैं डाउनटाउन से पूरा वैसे ही घूमी हूँ। गार्बेज बैग, गार्बेज बैग, गार्बेज। लेकिन आइडिया बुरा नहीं है। इट वाज सो गुड। अगर आपके पास छतरी नहीं हो, कचरे के डब्बे में से निकाले, डब्बे में से ना निकाले, नया निकाल ले। नया कहाँ से आएगा भाई, एक के घर में गार्बेज बैग देखे ना आपने? घर में तो नहीं थी, तुम दबा। मैं होटल में थी। तुम होटल से, तुम्हें कहाँ से मिला गार्बेज बैग? मांगा। हाँ, गार्बेज बैग तो कचरे के डब्बे से थोड़ी ना। हवा खाई का रेनकोट का क्या करना, क्योंकि मुझे छतरी अगर चाहिए होती तो वो मैं ले लेती, लेकिन मुझे बारिश में नहाना था और कपड़े नहीं भिगाने थे। छतरी की एक मतलब, कभी बारिश होती है कभी रुक जाती है। हाँ, तो सन नहीं ढका था। और होटल से आप छतरी लेके गए होते तो हमेशा भूल आते हैं। हाँ, ये बड़ा मसला है। बारिश का और कैरी करना भी बड़ा मुश्किल लगता है। छतरी पता है लंदन में काम आती है, क्योंकि पूरा दिन आपको पता ही नहीं होता किस वक्त धूप निकलेगी और इसको बारिश हो जाएगी। As well there. शिकागो में हमें बड़ा अच्छा मौसम मिला था, it was nice. दिखाओ भाई, दिखाते रहो। हाँ, ये भी शिकागो गई, ये भी। हाँ, अब दुबई पहुंच गए, अब दुबई, अब दुबई ट्रिप पे आ गए भाई। अस्तफार, ये क्या सही, अब इस सेटअप में सही लग रहा है। क्यूट एड्रेस। रॉबर्टो कार्लोस, ही इज अ वेरी फेमस फुटबॉल प्लेयर। ये मुझे हार्ड रॉक कैफे में मिला था एंड आई वाज शॉक्ड, आई वेंट क्रेजी। अच्छा, मेरा चील से कोई इतना ज्यादा प्यार व्यार नहीं है। मैंने तो प्रॉपर उसे, ये क्या हरकत है, ये क्या रील नहीं थी ये, आई कांट बिलीव इट यार। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस, इज फरारी वर्ल्ड। या दिस इज वेरी नाइस। हां, बहुत प्यारी पिक्चर। तो उस बेचारी को यार, आई लव इट, आई लव इट। मजे, ये
बहुत मजे के। ऐसी तस्वीर मैंने नहीं किसी की देखी, सब खड़े हो जाते आ गया, अगली दफा मैं भी खींचवा। ऐसा लग रहा है इन दोनों ने पकड़ा होगा उसको ना भैया। चलो हम कुछ पाकिस्तान की भी आपको शक्ल दिखाएं, ये नॉर्दर्न एरियाज भी गई हैं जी, आइए देखते हैं क्या। आई थिंक दिस वाज शोग्रान, मुझे भी पाकिस्तान देखना है ज्यादा, बहुत यार भाई। चलो ना शोग्रान में शो करते हैं, शोग्रान ब्यूटीफुल है। चलो ना मरी चलते हैं ना, एक दफा तो हमने किया भी था शो का, कश्मीर कहाँ गए थे हम लोग, मैं तुम सब, मैं यादाश्त खो चुकी हूँ, यादाश्त के लिए दोबारा भेजिए। ये कहाँ की है, ये तो है लॉकवुड। हाँ लॉकवुड, हाँ हमने आजाद कश्मीर में शो किया था, मैंने निदा मैं और तुम। हाँ मुझे तो याद ही नहीं है, मुझे भी आई लव इट। ड्रामा को था, ड्रामा नहीं था, हम आपको ड्रामा किया था हमने थे वाकई। हां याद ही नहीं आ रहा, ओए गरीब पाकिस्तान है देखो, माशाल्लाह सारी दुनिया एक तरफ भाई, पाकिस्तान एक तरफ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, कम से कम कोई हमें लूटता तो नहीं है ना, उर्दू बोल के सब समझा लेते हैं। मिस्टर खट्टा, मेरा खट्टा खट्टा हम सबका दोस्त है। जैसे श्रीलंका, श्रीलंका की मुझे ज्यादा तस्वीरें नहीं मिली, मुझे भी तो दिखाओ श्रीलंका आगे दिखाओ। नहीं तीन ही तस्वीरें होंगी श्रीलंका की, बिकॉज आई डिडंट सर, श्रीलंका में बहुत गर्मी होती है, मैं दिस वाज नॉरेलिया, ये जन्नत थी, जन्नत थी। और ये तस्वीर थी एलिफेंट ऑर्फनेज की, श्रीलंका वाज ब्यूटीफुल, आई वाज इन लव। अच्छा एक बड़ा मजेदार किस्सा हुआ हमारे साथ, थाईलैंड, हम लोग थाईलैंड गए तो इसी तरह उसमें था, सब लोग जो बैठे हुए थे तमाशबीन, वो करतब दिखा रहे थे एलिफेंट का। हाँ। तो उन्होंने कहा जिसको भी एलिफेंट मसाज करानी है वो हाथ उठाए। अब हमें क्या पता था, हम पहली दफ़ा थाईलैंड गए थे, तो यासर ने कहा कोई मसाज है, मसाज सुन के उसको बहुत शौक है मसाज करना। उसने हाथ उठाया, पूरे उसमें जितने भी तमाशबीन थे वहाँ यासर नवाज ने हाथ उठाया। और वो मसाज क्या थी, आपको जमीन पर लिटा दिया और एलिफेंट ने अपना पैर आपके ऊपर रख लिया। ओह गॉड, आर यू सीरियस, खुदा की कसम। ओह गॉड, अब यासिर ने कहा भाई इतने सारे लोगों के बीच में हाथ तो उठा दिया। और वो नीचे लेटा और पता नहीं क्या क्या दुआएं पढ़ा था, वल्लाह मियां मुझे बचाना है वो। और एलिफेंट ने उसके ऊपर, मतलब वो लोग एलिफेंट को इतना ट्रेन करते हैं कि वो जो पैर रखते हैं ना वो इतना प्रेशर होता है कि आपको कुछ होना पूरा वजन नहीं, लेकिन अगर एलिफेंट का दिमाग घूम जाए तो लेकिन ये बिदक भी जाते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और हाथी जब बिदकता है ना तो कहा ये बेवकूफी कभी नहीं करना, कहने का मुझे लग रहा था मैं तो गया। और शर्मिंदगी इतने सारे लोगों के सामने पीछे भी नहीं हट सकते तो क्या जान से प्यारी क्या चीज़। और उसका मसाज किया सिर को पैर रख के ना, मेरे पास तस्वीर भी है वीडियो भी, इतने मजे की आई मैं वो क्यों नहीं लाई। अच्छा ये जो श्रीलंका में एलिफेंट्स का तो बहुत ज्यादा जोर है, तो वहाँ पे एक जगह थी पूरा उसका नाम था एलिफेंट ऑर्फनेज। हाँ तो वहाँ मैंने हाथी को नहलाया था। कैसे क्या किया तुमने उसको, वो साबुन वाबुन भी लगाया? नहीं साबुन नहीं होता, कोकोनट होता है ना, कोकोनट के जो ब्राउन वाला पार्ट होता है छाल, उससे निलाते हैं जहाँ बना के। हाँ एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन। और उस जगह पे बड़ी फैंसी चीजें थी। सुनो कैसा लगता है एलिफेंट को नहलाना? आई लव एलिफेंट्स, आई हैव ऑलवेज लव्ड एलिफेंट्स, आई लव एनिमल्स, तो मुझे बड़े क्यूट लगते हैं। उसके बाद एक और चीज वहाँ थी, वो जो ऑर्फनेज था वहाँ पे जो एलिफेंट का डंक होता है ना, लाइक द पूप, उससे वो पेपर्स बनाते हैं। और पता नहीं क्या, इट वाज अ वेरी फैंसी प्लेस, आई लव्ड इट, it was a very nice place, very nice, very nice. aur ab hum thailand dikha rahe hain na, thailand dikha rahe hain, thailand mein to main awazaar thi, bahut gandi thi, I was done with the heat, oye hoye bilkul mujhe sana askari ke account mein koi paise nahi bache hain, ye log dono miyan biwi vaat laga dete hain, kamate hain aur ghoomte hain, dono miyan biwi nahi hum sab, छोड़े यार मुझे बताया निदा किस बात का संभाल के क्या ये बात सही है, ये दुनिया नहीं देखी आपने क्या पता, और अगर आप दुनिया ही नहीं देखे और यही सोचते रहे अगले साल तो वो सारे अच्छे साल तो चले गए। लेकिन पता है मैं आपको बताऊं, ये पेंडेमिक जो है ना इसने बड़ा लोगों को ये बात रियलाइज कराई है कि कहाँ लेके जाओगे, कहाँ लेके जाओगे। मुझे एक थोड़े से बड़े उम्र के आदमी थे, उन्होंने एक मशवरा दिया, कहने लगे हम पैसे जमा कर रहे होते हैं कि अच्छा चलो फलाने साल करेंगे, बच्चों की शादी हो जाए फिर करेंगे, ये करेंगे।
कहने लगे यार एक आपकी सर्टेन एज होती है जहाँ आप चल फिर सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बुढ़ापे में आप सब कुछ करके जाएंगे तो आप सांस ही फूल के बैठ जाएंगे। यार आप अपने बच्चों को ट्रेन कैसे करेंगे दुनिया के लिए, मुझे बताएं, अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ट्रैवल करें, जितना अलग अलग माहौल दिखाएंगे बच्चे बहुत सीखते हैं। जैसे ट्रैवल करके आती थी मेरे पास, यूएस आ गई या मैं मॉरिशस गई तो वो जाले के साथ बैठ के जहाज में आ गई, तो वो उसको इतनी आदत हो गई थी इतनी सी से अकेले ट्रैवल करने की कि अब वो खुद ट्रैवल करती है। और जरूरी नहीं है कि अगर आप लाइक हम इंटरनेशनल ट्रैवल की बात नहीं करी, मैंने अभी मिसाल दी थी कि एक फैमिली जिनको मैं जानती थी वो बच्चों को होम स्कूलिंग कराते थे, दोनों मियां बीवी बच्चों को पढ़ा रहे होते थे जो जो जहाँ तक वो पढ़ा सकते थे, और जो पैसे स्कूल को फीस देने में उनकी रजिस्ट्रेशन उसमें बचते थे वो उनको पाकिस्तान टूर पे ले जाते थे। अब देखिए कितना एक्सपोजर होता है और सीखा कितना, और उनके बच्चे फिर जब स्कूलिंग करने लगे तो वो पोजीशन होल्डर्स थे, क्यों, क्योंकि वह बाकी बच्चों से मुख्तलिफ थे, उनको कौन सा पत्थर है पाकिस्तान में, कौन क्या क्या चीजें हैं, क्या पौधा है, क्या जड़ी बूटी है, क्या वो क्या निकलेंगे बाकी बच्चों से, ट्रैवलिंग से जबानें सीखना, उनको पाकिस्तान की हर जगह की तकरीबन थोड़ी थोड़ी जबान आती थी तो माँ बाप लेके निकल जाते थे। अच्छा मैं देखती हूँ कि बच्चों की जैसे तरबियत कर, अभी इसका बेबी छोटा है, बच्चों को आप कार्टून्स भी उर्दू में दिखा रहे हैं, उनको प्रिपेयर करें, मैं नहीं कह रही कि उर्दू ना करें, उर्दू वैसे हम सारा वक्त बोल रहे होते हैं, बच्चों को अंग्रेजी में कार्टून्स दिखाएं, उनको स्पेनिश में दिखाएं, फ्रेंच में, मेरी बच्ची ने सीखी स्पेनिश बोलने स्पेनिश, अंजला नहीं बोलती, फ्रेंच बोलती है। साथ ये भी कहूंगी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंध में रहते हैं तो आप अपने बच्चों को सिंधी भी सिखाएं, अगर आप उर्दू तो आती है ना, अगर आप पंजाब में रहते हैं तो आप अपने बच्चों को पंजाबी भी सिखाएं, अगर जिस सूबे में रहते हैं जबान आपको इतनी करीब करती है ना एक दूसरे से, कल्चर से करीब नहीं, आप लोगों को पता है इससे ये भी होता है कि बच्चे का दिमाग ज्यादा चलता है बिकॉज़ ही इज ऑलवेज अटेंटिव, आप जितनी जबानें सिखाएंगे उसका दिमाग रिसर्च ये कहती है कि जब बच्चा 6 साल तक की उम्र में होता है वो 6 से 8 जबानें ग्रैब कर सकता है, बिल्कुल स्पंज की तरह। मैंने तो कहा ये तो हैरान रह गई, 6 साल तक आप इतनी जबानें बच्चे को सिखा सकते हो, तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग कहते हैं चलो आगे बड़े होंगे तो सिखाएंगे, लेकिन बचपन से करनी चाहिए शुरू, और अपनी जबानें जरूर जरूरी है, जरूरी है, एब्सोल्युटली। फ्लाई विद PIA एंड सेव गोल्ड, रजिस्टर नाउ, स्कैन QR कोड and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat.